मयूरभंज जिलार रायरंगपुर खड़खाई नदी में आज खूब धूमधाम छठ पर्व अनुष्ठित होइछि। ए छठ पर्व को देखापी हजार हजार संख्यार भक्त मैंने देखा आसते पर लोकों स्वास्थ्य और समृद्धि कामना कर छठ पर्व पालन हो छत्तीस घंटा धरी निरला उपवास कर गुरुवार सन्धार अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देते आज शुक्रवार भोर सका उदय सूर्य पूजा अर्चना कर व्रत समापन करते आम पारण कहूँ आज सूर्योदय पूजा सहित यह समाप्त है समाप्त है वर्तमान आम आउ एक घंटा पर समापन हो तो आपण मानक आज चार दिन पूर्व यही पर्व आरंभ होता कद्दू भात सहित यह सहित द्वितीय दिन खरना तृतीय दिन प्रथम अर्घ्य जो सूर्यास्त पूजा हुए अस्तगामी सूर्य ताको पूजा हुए एवं यह सहित आज आमर यह कार्यक्रम पारण समापन आम जस्ट दुर्गा पूजा पर लग रही था रात दिन प्राय नदी में रहा शोवा मानने काम टोटाल फील्ड वर्क करा हुए तेणु जहाँ आप सहयोग पुलिस प्रशासन दमकल विभाग एसडीओ खड़काई डैम बांकबोल डैम म्यूनिसिपालिटी हॉस्पिटल समस्त सहयोग रोचे विशेषकर मीडिया भाई मैंने जो मैंने आम कार्यक्रम को अति बेसी अति अत्यधिक लोक मान देखुं तेणु आम सल्यूट कर धन्यवाद धन्यवाद। यह पर्व कार्तिक मास शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि यह पर्व को हिंदू रीतनीति अनुजाई पालन कराए। रायरंगपुर खड़खाई नदी में हजार हजार संख्यार स्त्री पुरुष महाछठ पर्व को आनंद उल्लास सहित पालन करते रायरंगपुर छठ पूजा कमिटी पक्ष श्रद्धालुओं समस्त प्रकार सुविधा कर छठ पूजा कमिटर सभापति विजय कुमार राम संपादक राजेश प्रजापति उपसभापति अभिदेक मिश्र मयूर गुप्ता और अन्य सदस्य मैंने सहयोग करिबार विजय कुमार राम धन्यवाद अर्पण कर जीता जागता उदाहरण जो कि हम लोग सूर्य देवता को सबसे पहले छठ पूजा में सूर्य अस्त की भी परंपरा रही है आगे उनको अर्घ देते हैं फिर दूसरे दिन जैसे आज हम लोग सूर्योदय की भी पूजा करते हैं और अर्घ देते हैं तो ये अपने आप में एक मनुष्य की प्रकृति के साथ में जुड़ाव जो कि देखने को मिलता है। कहते हैं कि उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि सूर्य अगर पूजने योग्य हैं तो वो कोई भी स्थिति में रहे ये अपने आप में छठ मैया का महापर्व जो कि आदि आदि काल से जिसमें रामायण में भी उल्लेख है महाभारत में भी उल्लेख है बस इतना कहूँगा कि छठ मैया सबको सुखी रखे समृद्धि दे और पूरे सनातन धर्म वाले को अपने आप एक परिवार की तरह देखते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान करे। बोलो छठ मैया की जय। इस छठ के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। हमारा संस्था 94 से व्रतियों का सेवा करता आ रहा है। मैं सबसे पहले इस छठ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि छठ व्रत कैसे प्रारंभ हुआ। एक प्रेवत नाम के राजा ने इस व्रत को प्रारंभ किया था। उसके बाद कर्ण कुंती कर्ण सीता सभी ने व्रत को किया। इस व्रत का प्रारंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से प्रारंभ होती है। उस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध होकर के कद्दू भात बना करके व्रत को प्रारंभ करती हैं। दूसरे दिन पंचमी के दिन सायंकाल में खीर का प्रसाद बना करके खड़ना करती है। यानी जिस प्रकार से हम दुर्गा पूजा इत्यादि में बेलवरण करते हैं उसी प्रकार से छठी मैया का वरण करती हैं। तीसरे दिन षष्ठी के दिन सायंकाल के समय अस्तगामी सूर्य का पूजन करके उनको नदी में स्थापित करती हैं। जैसे हम देवी का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस प्रकार वहाँ पर नदी घाट में उनकी प्रतिष्ठा करती है। और दूसरे दिन सप्तमी के दिन प्रातःकाल उदयगामी सूर्य का पूजन करके और पारण करती है यानी पूजा का विसर्जन करती है। छठ व्रत हमें एक बहुत अच्छा संदेश देता है कि हम कहते हैं कि जन्म है तो मृत्यु है लेकिन नहीं, मृत्यु है तो जन्म है। यानी सूर्य अस्त होता है तो उसका पूजन होता है और जब सूर्य उदय होता है पूजा होता है। यानी
अस्त से पूजा प्रारंभ होता है और उदय से पूजा का समापन होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मृत्यु है तो जन्म है, तो जन्म है तो मृत्यु है। इस प्रकार से छठ का ये चार दिन का व्रत बड़ा ही निष्ठापूर्ण कष्ट युक्त है, लेकिन और इसकी एक महत्ता और भी है कि व्रती जो व्रत करके बिना सूप का बिना ये का लेकर के भी नदी में खड़ा होकर के सूर्य को नमस्कार करते हैं उसको कष्टी कहते हैं, उससे भी मनोकामना सिद्धि होती है। इस प्रकार से छठ की अनेक प्रकार की महत्ता है, अनेक प्रकार से लोग इसकी पूजा करते हैं और जितना भी कहा जाए धन संपदा संतान आरोग्यता ये प्रकृति की पूजा है और यह हमें संदेश देती है कि प्रकृति की रक्षा करें और स्वयं स्वस्थ रहें और अपनी भी रक्षा रखें। जय छठी मैया। रायरंगपुर सत्यनारायण पॉल का रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।